हेलो एंड वेलकम, मैं हूं हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे ये एक वाईफाई टॉकिंग रोबोट। सो इस रोबोट से हम बातें कर सकते हैं, इससे कुछ भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये हमें उसका जवाब देगा। और इसमें हम गाने भी सुन सकते हैं, इससे हम मतलब कुछ भी ए टू जेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इसमें मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर का जो होता है ब्लूटूथ मॉड्यूल चीपर बनाने के लिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है। और इस रोबोट को हम अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट। तो सो इसमें मैंने एक नोड MCU ESP8266 का यूज़ किया हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो हमारा मॉड्यूल है ये वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा हमारे फ़ोन में, जिससे कि एक एप्लीकेशन के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इस रोबोट को मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा था। सो इसको मैंने जंप किया, वैसे ही जंप करने के बाद टूट गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नया दिखाना और नया सिखाना मेरा काम है। सो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल साइंस एग्जीबिशन में आप कहीं पर भी बना कर लेकर जा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अपने घर के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जहां से मैंने अपने PCBs को ऑर्डर किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है JLC PCB। इस वेबसाइट से आप सिर्फ $2 में 5 PCBs ऑर्डर कर सकते हैं एनी कलर। आपको अपना PCB डिजाइन करना है और उसको गर्बर फाइल में सेव करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट करना है, जैसे कि कलर, थिकनेस, MM, लेयर, मटेरियल्स। सो इन सभी को सेट करके आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है और आप इसको अपने कार्ट में जाकर इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और जो PCB क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। न्यू यूजर्स को यहाँ पर $27 का कूपन भी मिलेगा। सो मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप भी PCB ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए नोड MCU ESP8266। उसके बाद हमें चाहिए एक ब्लूटूथ स्पीकर का चिप सेट, एक मोटर ड्राइवर, एक स्पीकर, 4 DC गियर मोटर्स और उसके व्हील्स, 12 वोल्ट बैटरी, एक सनबोर्ड सीट इसका बेस और स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी से हम इस प्रोजेक्ट को बनाकर रेडी करते हैं। और मैंने इस प्रोजेक्ट का कोड्स और डायग्राम मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसको ओपन करके आप इजीली देखकर बना सकते हैं। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But hey Robo, मेरा नाम क्या है? मुझे याद है, कृष्णा।
आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यह सुनकर दुख हुआ। मैंने सीखा कि संगीत सुनने से आपका मूड बेहतर हो सकता है। आप यादों की लहर को बहाने के लिए एक पुराना एल्बम बजा सकते हैं या ऐसा गाना सुन सकते हैं जिससे आपको नाचने का मन हो। अगर आप यह चाहते हैं, तो बस कहें, जोश भरा संगीत बजाओ। और अगर आपको कभी लगता है कि आपको एक विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है, तो कृपया एक पेशेवर से परामर्श करने पर विचार करें। ओके रोबो, मुझे एलन वॉकर के सॉन्ग सुनाओ। प्लेइंग ऑन YouTube। मुझे चुटकुला सुनाओ। लोग कहते हैं खुदा ने आपको बड़ी फुर्सत में बनाया है। ठीक ही कहते हैं, फालतू काम फुर्सत में ही किए जाते हैं। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।